गाइस सोनू कह रही मैं तो सुंदर आ रही हूँ इस सर से। आ रही क्या होता भाई, सुंदर तो है यार। ठंडा हो गया, पार्टी करते हैं, पार्टी पार्टी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस, जो आज का ब्लॉग है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि उससे बड़ा तो मेरी लाइफ में कुछ और है भी नहीं। तो आज मेरा बेटा 2 महीने का कंप्लीट हो गया है। जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में कहा था कि जब वो 1 महीने का कंप्लीट हुआ था तो हम थे गांव में, तो मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाई। तो अब जब वो 2 महीने का कंप्लीट हुआ है तो अभी हम देहरादून में हैं, तो मैं यहाँ अच्छे से उसका 2 मंथ सेलिब्रेट कर सकती हूँ। और उसके पापा अभी यहाँ पर नहीं हैं, मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ और वो भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं रॉय को, क्योंकि इस टाइम पे वो भी चाहते थे कि वो हमारे साथ हो। और वैसे तो अमित हमेशा ही चाहते हैं कि हमेशा अपने बच्चे के पास रहे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो हम चाहें हर चीज़ वो पूरी हो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो उन्हें ड्यूटी ऑब्वियस सी बात है, जॉब करते हैं तो ड्यूटी प्लेस में रहना ही पड़ता है। और अभी वो फैमिली से दूर है, ये काफ़ी टाइम बाद, ऑलमोस्ट मैं हमारी शादी के बाद मैं अमित के साथ ही शिफ्ट हो गई थी। हम लोग शिमला में थे तो 1-1.5 साल हम साथ में रहे। उसके बाद मेरी प्रेगनेंसी के वजह से मैं शिमला में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए मुझे देहरादून शिफ्ट होना पड़ा। तो मैं देहरादून आ गई थी और अमित शिमला में थे। अभी अमित नए ड्यूटी प्लेस में चले गए हैं, तो वहाँ पर अभी बैड लक बोल सकते हैं मेरा कि अभी वहाँ मैं साथ में नहीं रह सकती उनके, क्योंकि बेबी अभी छोटा है और जहाँ वो गए हैं वहाँ पे इतने रिसोर्सेज है भी नहीं कि हम वहाँ रह सकें। तो इसलिए मैं और रॉय अभी अलग हैं, वो अलग हैं। अब जब आएंगे तो आपको मिलाएंगे अमित से, लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपने बेटे को। ऑब्वियसली उनका बहुत मन था कि वो भी साथ में रहते, लेकिन उन्होंने मुझे कॉल करके बोला है कि तू जितना पॉसिबल कर सकती है उतना पॉसिबल ये मोमेंट तू स्पेशल बना इस चीज़ को। तो मैं आज बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ और अमित को बहुत मिस कर रही हूँ। आई मिस यू अमित, जल्दी घर आना। और मैं आज बहुत ज़्यादा तैयारी करने पर लगी हूँ सुबह से लेकर कि मैं क्या क्या करूँगी क्या क्या करूँगी। तो लेकिन ब्लॉग की स्टार्टिंग जो है वो मैं नाइट से कर रही हूँ क्योंकि दिन भर में इतना टाइम नहीं मिल पाया, मैं प्रिपरेशन में ही लगी हुई थी। तो अभी शाम का टाइम हो गया है तो मेरी ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशन डन हो गई है। और ये सोनू यहाँ पर, सोनू आज हम बहुत ज़्यादा हैप्पी हैप्पी और हमारी हो रही है आज पार्टी, छोटी सी पार्टी, मोटे वाली पार्टी का नहीं, छोटी नहीं, छोटी मोटी। गाइस हो गया है सोने पे सुहागा और हमें तो इस बात का कोई आइडिया भी नहीं था, ऐसा हमने कोई ऐसा प्लान भी नहीं किया था मैंने मोनिका सोनू ने। हमारा प्लान था कि हम छोटी मोटी पार्टी करेंगे और एकदम से भैया ने क्या सरप्राइज दे दिया। मैं रॉय को फीड करवा रही थी, बैठी हुई थी मैं रॉय को क्योंकि वो सो के उठा था, तो उसको फीड करवा रही थी मैं। एकदम से ना दरवाजे खुलने की आवाज़, कुछ भी आवाज़ नहीं आई। मोनिका ड्यूटी जा रही थी वापस, वो तैयार होने गई वॉशरूम में और मतलब मेरे रूम का जो कर्टन है वो धीरे से खुला और ऐसे मुझे सर दिखा किसी को, मैं डरी एकदम, ये कौन आया? ना दरवाजे खुलने की आवाज़ आई ना कुछ भी। यार सरप्राइजिंगली भैया ने मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज दिया। आज मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि मैं अमित को तो बहुत मिस कर ही रही थी, तो मतलब ऐसा लग रहा था ना कि यार कुछ तो मिसिंग है। और भैया ने आके ना मतलब थोड़ी जो मतलब मेरे फेस पे स्माइल नहीं आ रही थी ना, लेकिन भैया ने स्माइल ले आई। अब मुझे खुशी हो रही कि चलो एटलीस्ट भैया तो साथ में है, हम इस मोमेंट को और स्पेशल बना सकते हैं। तो भैया के आने से मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। और गाइस भैया चले गए हैं थोड़ा सा काम से अभी मार्केट, इसलिए मैं आपको अभी भैया से नहीं मिलवा पा रही हूँ। मैं थोड़ी देर में भैया से आपको मिलाती हूँ। अब वो पता नहीं क्यों, उसने कुछ बताया भी नहीं कि क्यों जा रहा है। और मुझे पक्का पता है कि भैया जब भी मतलब यहाँ आएगा ना, वो कुछ ना कुछ रॉय के लिए लेके आते हैं। मतलब वो इतना ज़्यादा रॉय से उनका लगाव है ना, हो भी क्यों ना, क्योंकि मैं भी भाई की लाडली हूँ तो मेरा बेटा तो ऑब्वियसली उनका लाडला हुआ ही हुआ। तो मुझे लग रहा है कि भाई कुछ ना कुछ रॉय के लिए लेने ही गया है पक्का, क्योंकि वो हमें कभी खाली हाथ नहीं आया, कुछ ना कुछ रॉय के लिए लेते ही आएगा। इतना खर्चा करता है वो रॉय के ऊपर, जब से रॉय हुआ है ना भैया ने पता नहीं कपड़ों के कितने जोड़े ले आए हैं रॉय के लिए। तो आज भी मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ लेने ही गया, अभी देखते हैं आपको भी दिखाती हूँ, पक्का कुछ ना कुछ लाएगा। तो गाइज रॉय के मामू लेके आए रॉय के लिए गिफ्ट और असेंबल भी कर दिया है पूरा का पूरा। भाई साहब इतना महंगे बच्चों के टॉयज इतने महंगे हैं ना भाई, इतनी मेहनत करवाई ने इस लड़के ने और पता नहीं कब से भैया मेहनत करने लगा है बेचारा। इसको मेरी ऐसे में लगाऊं इसको रॉय के 2 मंथ्स पे
भैया लेके आया रॉय के लिए स्पेशल गिफ्ट, और भैया अब भैया असेंबल भी करने वाला है हमारे बेड में। मैच तक कितना बड़ा है अब ये, ऐसे होएगा ये इसको ऐसे बेड में मैं ऐसे कस दूंगा इसको, जब तक इसके पास पालना नहीं है तब पालना होगा, तो फिर बाद में इसको पालने में ऐसे लगा देंगे अभी ऐसे लगेगा। और ये ऐसे होएगा और यहाँ से इसको हम ऑन करेंगे और अभी ऐसे ऐसे घूमेंगे असेंबल करते, चल बेड पे लेके चलते। वाओ ऐसे घूम रहे, चल लेके चलते हैं मामू। मामू क्या लाए बेटा, चल चल लगाते, कहाँ लगाएंगे। गाइस रॉय के मामा कितनी मेहनत कर रहे हैं रॉय साहब के लिए। रॉय क्या लेके आए बेटा, मामू क्या लेके आया मेरे बच्चे के मामू। अरे बेटू देखो तो जरा मामू कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। वाह वाह, सुनाई नहीं रहा तेरे को ये क्या क्या हो रहा है। देख बेटी ऊपर देख, मैं ऊपर मामू। फाइनली रॉय के मामू का गिफ्ट असेंबल हो चुका है अच्छे से, भैया को जगह मिल चुकी है इसको लगाने की बहुत मशक्कतों के बाद। ये बहुत यूजफुल चीज है, थैंक यू मामू। तो गाइज मैं और सोनू बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आज, और हम जा रहे हैं अभी फ्लावर्स लेने, क्योंकि पड़ोस वाले भैया के घर पे ना रेड रेड फ्लावर्स है, तो मैं बोले कि आती हूँ थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए। चले सोनू अपने वाले घर पे, दिख रहे हैं आपको रेड रेड कलर के फ्लावर। हाँ क्या बोलते हैं सोनू, पूछ ली ऐसे यहाँ है भी कोई लाइट तो जली है, देखते हैं एक बार। बजाना बेल, बजाना बजाना जरा बेल बजाना। ये है, हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा इसको यूज करते हैं, यहाँ पे नहीं है, देखते हैं ट्राई करके ये हम निकाल लें शायद। तो गाइस स्ट्रगल देख रहे हो आप, हम ढूंढ रहे हैं हम लकड़ी जिससे थोड़ा सा पेड़ हम नीचे कर सके, डाली को नीचे खींच सके, ना कि पेड़ को। मैं भी उल्टा ही बोल रही हूँ, देखते क्योंकि थोड़ा हमारी हाइट शॉर्ट है दोनों की, हम नहीं पहुँच पा रहे यहाँ तक, लेकिन यहाँ यहाँ गाड़ी लगी है ना यहाँ पर, इसीलिए देखते हैं। ये टूट जाए कोई नहीं, इसको और छूटा नहीं, गाड़ी ठोक एक हाथ से ठोक दे। ये बहुत टाइम पहले की लगी हुई गाड़ी है यहाँ पर। हाँ हाँ निकाल दे, फिर हम खुद अलग अलग करेंगे इसको। क्या हो गया बेटा, चुप यार, बहुत पता है इससे। निकल चुके हैं हमारे फ्लावर, चलो भाई हमें इतनी की नीड थी, हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, चलो चलो इतनी जरूरत थी हमें, चलते हैं अब। या एक ये भी निकाल दे, अगर कम हो गया तो फिर नहीं हम आएंगे बार बार। ये देखिए रॉय की बुआ की मेहनत, इतने सारे फ्लावर। अब हम इसको थोड़ा सा क्रिएटिव करते हैं, कुछ ऊपर जाके थोड़े से खतरनाक है ना, दूध जैसा निकल रहा है इनसे कुछ, हाँ हाथ में दिख रहा है। चल चलते हैं। तो गाइस फ्लावर तो आ गए, अब इसकी लीव्स अलग अलग करती हूँ मैं। बोल तो रही थी, बोल तो रही थी सुंदर तो है यार। और नहीं तो ये होना चाहिए गाइस कॉन्फिडेंस। हेलो बोल सकते हैं आप, क्या चल रहा है गाइस। कोशिश कर रही हूँ कि कुछ अच्छा सा आउटलुक सामने आए, बट कोई नहीं, कोशिश करके हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। अच्छा मेरे गाइस आप देख सकते हो हमारी तैयारी हो गई है शुरू। ये देखिए बंदी, हेलो हेलो गाइस, अभी मेरी हालत पे मत जाइए आप, थोड़ी देर में मैं बहुत सुंदर बनने वाली हूँ। कहीं नहीं सुंदर बनने वाले, सुंदर होने चाहिए तब बनते हैं, होने चाहिए तब बनते हैं, थोड़ा ना होता। कोई बात नहीं गाइस, आप देखिए थोड़ी देर में बंदी एकदम तैयार होके आएगी। अब ठीक लग रहा है ना, हम्म,
देख सकते हैं ऑलमोस्ट। अब रॉय को मुझे ड्रेस अप करना है, उसके बाद हम सेलिब्रेशन, खुद भी तैयार होना है, उसके बाद हम सेलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैं सोच रही हूँ कि सेलिब्रेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं रॉय को नहला देती हूँ, क्योंकि मोनिका के आने का टाइम भी हो गया है, उसके बाद ही हम सेलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि सब लोग होते हैं साथ में तो ही अच्छा लगता है, और भैया भी आ गए थे तो और अच्छा लग रहा है। तो रॉय को अब फटाफट से मैं नहला देती हूँ, उसके बाद ही हम सेलिब्रेशन स्टार्ट करेंगे, और फिर मुझे भी तैयार होना है थोड़ा सा। हैप्पी टू मंथ में बच्चा हो बोले आम खाएंगे नहीं तो हो गया बच्चा हो गया। तो गाइज यहाँ पर कर रहे थे हम थोड़ा सा फ़ोटो शूट, लेकिन इवान बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा था, क्योंकि छोटे बच्चे ना बहुत जल्दी क्रैंकी हो जाते हैं। तो गाइज ये हो रही है हमारी छोटी छोटी सी पार्टी, ये आ गई है मोनिका, सोनू आ जा भैया, जल्दी आओ, ठंडा हो गया। पार्टी करते हैं, पार्टी हो चुका है हमारा डिनर, मैंने और भैया ने तो कर लिया है, और सोनू और मोनिका अभी नहीं कर रहे, कह रहे कि हम लोगों ने फास्ट फूड वगैरह बहुत खा लिया था तो अभी नहीं करेंगे, रात में उठेगी दोनों बहन, रात में मुझे नींद आ जाएगी, तो मुझे इनको शूट करना था कि कब उठे जरा रात को। तो चलो गाइस शूट करना था सीधा मैं अभी क्या बोल रही, शूट करना था। तो गाइस डिनर हो गया है मेरा, अब नींद भी आ रही है, और रॉय सोने का नाम नहीं ले रहा है, 11 बज रहे हैं, तो रॉय को भी सुलाते हैं और ख़ुद भी सो जाते हैं, और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो गाइस ऐसे ही हमारे चैनल को प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए जो नए हैं हमारे चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ऐसे मत करा करो कि आप लोग वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैं हर वीडियो में बोल रही हूँ, क्योंकि लोग वीडियोज़ देख के चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ गाइस आपके सब्सक्राइब करने से हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि चलो सब्सक्राइब भी कर रहे हैं लोग और देख भी रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।